अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करने बैठी ही थी तो हमारे घर में दो गेस्ट आ गए, तो उनके लिए मुझे उठ के पीच का जूस बनाना पड़ा जो कि मैंने तैयार किया। और यहाँ पर हिजाब स्कूल से आ चुकी थी और मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पे एक शॉप ओपन हुई है डॉलर के नाम से और वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं ओनली 150 में। तो मैंने कहा क्यों ना विजिट किया जाए। तो मैं वहाँ पे देखा कि काफ़ी बच्चों की अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कलर पेंसिल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स पड़े हुए थे, डायरीज पड़ी हुई थी, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स और पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना हिजाब के लिए मैं लंच भी यहीं से ले लूँ और वाटर बॉटल भी यहीं से ले लूँ। और मैंने इसके लिए रबड़ बैंड लेने थे जो कि वो स्कूल लगा कर जाती है, हल्के से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो मैंने फिर यहाँ पे देखी ज्वेलरी, यहाँ पे अच्छी ज्वेलरी पड़ी हुई थी जो कि मार्केट में हमें 300-400 मिलती है और यहाँ पे हमें ओनली 150 की मिल रही थी, अच्छे से बहुत अच्छी और खूबसूरत ज्वेलरी लग रही थी। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे रिंग्स नज़र आई जो कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत, और रिंग्स का वैसे मुझे बहुत शौक है तो मैंने यहाँ पे चेक की, अच्छी लग रही थी 150 में, अच्छी क्वालिटी, इतनी बैड क्वालिटी नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मैंने एक रिंग उठा के देखी क्योंकि स्टोन रिंग्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं लड़कियों के पहनी हुई, तो मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है स्टोन वाली रिंग। तो यहाँ पे मैंने स्टोन वाली रिंग देखी, इतनी प्यारी सी वाइट कलर का स्टोन था उसका, बहुत खूबसूरत था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी बाय किया जाए। यहाँ पे बैंगल्स थी और इयर रिंग्स थे बहुत ही खूबसूरत से, ओनली 150 में। यहाँ पे हर चीज़ 150 की थी, अगर देखा जाए तो 150 की आजकल इतनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको अवेलेबल अगर एक चीज़ हो रही है तो क्यों ना बाय की जाए चीज़ें। यहाँ पे एक खूबसूरत सा हैंडमेड फ़ैन था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने फिर यहाँ पे देखे डेकोरेशन पीस थे छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे मतलब अल्लाह ताला के नाम बने हुए थे, खाना काबा बना हुआ था, साथ में मदीना बना हुआ था, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सा लगा जिसमें खाना काबा और मदीना की दोनों की अच्छी सी एक डेकोरेशन है। और यहाँ पे एक चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, ये बहुत खूबसूरत से इनमें हल्की हल्की लाइट्स ऑन थी तो बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा था, रूम में लगा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। और हम मार्केट आए और समोसे ना खाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जल्दी घर आना था क्योंकि हिजाब को होमवर्क करवाना था, क्योंकि उसको रात को जल्दी सुलाना पड़ता था ताकि उसको सुबह स्कूल के लिए। और यहाँ पे हिजाब थक हार के सो चुकी है, तो क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।